भगवान राम को एक हम आस्था के विषय में तो रख सकते हैं, लेकिन उनको राजनीति में जोड़ के हम वोट नहीं मांग सकते। जब कपिल सिब्बल इनके नेता थे, इन्होंने एप्लीकेशन डाला था, आपको भी पता होगा, कि राम मंदिर की सुनवाई रोक दी जाए, अभी ना की जाए, इसके और आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि जब हिंदू धर्म के प्रमुख धर्माचार्य शंकराचार्य ही नहीं आ रहे तो वहाँ मैं कैसे जाऊँ। गुरुदेव जिसकी हम पूजा करते हैं, जब उनकी मूर्ति स्थापना हो गई तो छत बनना अलग विषय हुआ, परिस्थिति बस हम उस मकान में हमेशा जा सकते। अयोध्या की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो 500 वर्षों से चीज़ें लटकी पड़ी थी वो हमने दरअसल पूरा कर दिया, और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना करके दिखाया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाया। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होगा वो राम मंदिर ही होगा, वो भगवान राम ही होंगे। अब वो शस्त्र कैसे होंगे इसका जवाब हम लेंगे, और राम मंदिर पर वोट पड़ना कितना सही है ये तो ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये भी है कि जो काम आप लोग वर्षों से नहीं कर पाए, आखिर उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया जो लंबे वक्त से लटका हुआ था। जी एक मिनट, ये आप कहना बंद कीजिए जो कि आप लोगों ने इतने वर्षों से नहीं किया। हमने आज़ादी से लेकर अब तक काम किया है, उसका रिकॉर्ड है। गोंडा में पॉलीटेक्निक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ITI है, टॉमसन इंटर कॉलेज है, तमाम कॉलेज हैं यहाँ। ये तो कॉलेज की बात हो गई, अब आ जाइए, ओवर ब्रिज बना है कांग्रेस। एक मिनट, हम ये सारे सवाल आपसे ले लेंगे और हमने पहले भी लिया लोगों से, लेकिन अभी हमने आपसे स्पेसिफिक सवाल किया राम मंदिर को लेकर के, ठीक है, आप उस पर जवाब दीजिए। राम मंदिर पे आइए, जहाँ तक भगवान राम की बात है या कृष्ण की बात है या शंकर भगवान की बात है, उनको हर हिंदू धर्म जात ये लोग सभी मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है, समाजवादी भी मानती है, बसपा भी मानती है, यानी जितने भी दल हैं, भगवान राम को एक हम आस्था के विषय में तो रख सकते हैं, लेकिन उनको राजनीति में जोड़ के हम वोट नहीं मांग सकते। भाई तो फिर जब राम मंदिर बन रहा था तो आप लोग गए क्यों नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो क्यों नहीं गया? कौन कहता है नहीं गए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी वहाँ गए, उनके साथ जो एक दिन पहले गए। अरे सुनिए साहब, एक दिन पहले क्या, जब आप जाने देंगे तब तो जाएंगे। लड़की छेड़ते हैं इनके नेता, राहुल गांधी ने कहा था, उस पर जवाब चाहिए। और कपिल सिब्बल इनके नेता थे, जब कपिल सिब्बल इनके नेता थे, इन्होंने एप्लीकेशन डाला था, आपको भी पता होगा, कि राम मंदिर की सुनवाई रोक दी जाए, अभी ना की जाए, इसके और आगे बढ़ाया जाए, इस पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। खैर आपसे कह रहा हूँ, आप अपने डिबेट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितने भी सवाल आएंगे हम सबका जवाब देंगे अकेले, ठीक। जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, मुद्दा नहीं, मुद्दा जो है, एक मिनट, क्या राहुल गांधी मंदिर नहीं गए? क्या राहुल गांधी मंदिर नहीं गए? नो, मंदिर सब पवित्र है, चाहे दुखरनाथ की मंदिर हो गोंडा की, चाहे अयोध्या की मंदिर हो, चाहे काशी की मंदिर हो, चाहे बनारस की मंदिर। गोलियां सपा ने चलवाई, कार सेवकों पे गोलियां सपा ने चलवाई, मंदिर में अयोध्या मंदिर में अंतर है। चलाया, जहाँ तक सवाल है, एक मिनट, ये बताइए, एक मिनट, जवाब ले लीजिए, उसके जवाब लेंगे तभी तो समझेंगे वो कहना क्या चाह रहा हो। सुन लीजिए प्लीज, पांडे जी, एक मिनट, राहुल गांधी की बात जो आपने बोली है लड़कियों को लेकर के, उस पर जवाब ले लेंगे, एकदम आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक इन लोगों का कहना है, हमारे मित्रों का, ठीक है, कि कांग्रेस मतलब मंदिर को नहीं मानती है, इनका सीधा सीधा ये कहना है। आप स्वयं देखे होंगे चैनलों पे, टीवी चैनल पे, कि माने राहुल गांधी जी केदारनाथ गए कि नहीं गए, आप बताइए। अगर हम बताएंगे तो हम सीधा यही बताएंगे कि आप सवाल से जवाब से मुड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारा कहने का मतलब ये है, हम देखिए, हम राम मंदिर पे सवाल आपसे कर रहे हैं, आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं। ये मंदिर पे क्या आप क्या जवाब चाहते हैं? मेरा सवाल ये था, अभी मैं तो सीधा आसान सा सवाल आपसे कर रहा था कि जब न्योता गया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तब क्यों मना कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि वहाँ पर नहीं जाना है, ये राजनीतिक इवेंट बना दिया, जब भगवान के काम राजनीतिक इवेंट कैसे हो? लिखित लाइए, दिखाइए, लाइए, देखिए, आपका कहना है, बयान पे सुन लीजिए, आपने कहा हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख व्यक्ति किसको गिना जा रहा है,
ये शंकराचार्य की बात कर, चारों शंकराचार्य की पीठ है, चार पीठ है। मैं पूछता हूँ, चार पीठ है, चारों शंकराचार्य थे, कोई क्यों नहीं है? हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री मैं शंकराचार्यों को मानता हूँ। सनातन धर्म के सबसे बड़े हिंदू धर्म तो वो एक ही बात है, हमारे जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो चारों शंकराचार्य में एक भी क्यों नहीं आया, आप बताएं? और उन्हीं का हवाला दे करके कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि जब हिंदू धर्म के प्रमुख धर्माचार्य शंकराचार्य ही नहीं आ रहे तो वहाँ मैं कैसे जाऊँ, एक लाइन की बात। चलिए ठीक है, तो शंकराचार्य ने, चाहे वो निश्चलानंद हो चाहे वो दूसरे शंकराचार्य हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि अभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है, मंदिर अधूरा बना है। और उनका एक बाकायदा बयान है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे, मोदी जी अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे, उन्होंने ये बात कही थी। और आपको भी पता है कि जो सनातन धर्म के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो चार शंकराचार्य होते हैं, उनको बगैर बुलाए कैसे आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? जी, शुरुआत में दो चीज़ आप ध्यान रखिए। आपने शुरुआत में जो वोटों की संख्या बताई वो आपके थोड़ा नॉलेज गलत था, यहाँ ब्राह्मण एक नंबर पे है, आपने मुस्लिम बताया था तो एक वो करेक्ट कर लीजिए। दूसरा, आप जो शंकराचार्य पे कह रहे हैं, परिस्थितिवश किसी को हम अपना मान लेते हैं, शंकराचार्यों के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या हुआ ये किसी छुपाना, फिर ये गलत बात है। ठीक है, अभी आप जी शुरुआत कर लीजिए, शंकराचार्य कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या हुआ ये किसी छुपा नहीं। हमारे शंकराचार्यों ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार कहा कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता। एक 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 यही टकिल रहा था कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। जहां हिंदू जनमानस, आप यही कल्पना कर लीजिए कि आज तक के आपके डिबेट में पहली बार आप डिबेट हिंदू या किसी अन्य पे कह रहे हैं, हम कहना नहीं चाह रहे, मुस्लिम कह लीजिए, अभी तक आप हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण कोई ठाकुर, तो बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उसकी उपलब्धता है कि हम हिंदू प्लस किसी अन्य वोट की बात कर रहे हैं। उस आधार पे देखिएगा तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, अगर हिंदू बनाम किसी अन्य की हुई कोई लड़ाई नहीं हुई। आपने कई जवाब दिए और आपने कहा कि खाली एक सम्मान का टकराव था, ठीक है। अब अगर इस पर हम आपसे ये सवाल पूछ लें, क्या भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य का सम्मान नहीं करती? ठीक है, एक सेकंड, सवाल पूरा करने दीजिए। और दूसरी बात ये थी, जो आप बोल रहे हैं कि मुहूर्त वगैरह का कोई मतलब नहीं था, तो वाकई शंकराचार्य जी ने ये बात बोली थी, पूरी में निश्चलानंद जी ने ये बात बोली थी कि मुहूर्त ठीक नहीं था, और जब मंदिर आधा बना होता है तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते, उन्होंने साफ तौर पर कहा। आधा बना होना कोई विषय नहीं है, जब हमारे गुरुदेव जिसकी हम पूजा करते हैं, जब उनकी मूर्ति स्थापना हो गई तो छत बनना अलग विषय हुआ, परिस्थितिवश हम उस मकान में हमेशा जा सकते हैं, जिस मकान में हम रहना चाह रहे हैं हमारा गृह प्रवेश होता है, भगवान की स्थापना होती है, आगे काम हुआ करता है, तो वो कोई विषय नहीं हुआ। शंकराचार्य के विषय में स्वामी स्वरूपानंद जी का आपने नाम लिया, स्वामी स्वरूपानंद जी के विचार, निश्चलानंद जी का नाम, निश्चलानंद जी के विचार कुछ हद तक आप उठा के देखिएगा तो सनातन के इस प्रारब्ध को, सनातन के इस विकास को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, हम भी सनातनी हैं, लेकिन वो इस विकास को, सनातन के इस उदय को बिल्कुल नहीं वो कर पा रहे हैं, उनका बयान शुरू से ही। चलिए, जो आरोप है, क्या नाम हुआ आपका? शशांक मिश्रा। आरोप लग रहा है कि सनातन के जो विचार है, जो बढ़ती हुई विचारधारा है, वो जो विपक्ष है या जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी ऐसे? नहीं, मुझे ऐसा एकदम नहीं लग रहा। सनातन किसी व्यक्ति, किसी दल या किसी नेता के जेब की चीज़ नहीं है। पहली बात, सनातन वो है जो हम ऐसा हिंदू या हम ऐसा सिख जो भी धर्म का आचरण करना चाहें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था कर सकते हैं।